हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो पिछला वाला स्लाइड मैंने जो है वीडियो बंद कर दिया था, वो चेक कर रहा था कि ऑडियो क्वालिटी आई है कि नहीं आई है, तो अभी दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि क्वेश्चन नंबर 21, वो सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, जो सोने के मंदिर जैसे अगर मैं कहूँ उर्दू में, तो अमृत है, अमृतसर है, दिल्ली है या हैदराबाद है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कहा जाता है कि अमृतसर कहा जाता है। अमृतसर इंडिया में एक इलाका है जो यहाँ पर मेजरली जो है हमारे हिंदूज और सिख कम्युनिटी रहती है यहाँ पर, और पंजाबी और सिख ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, अमृतसर। और अदर डिटेल्स हैं इसकी, ये है कि पॉसिबल अदर क्विज डिटेल्स या क्विज या डिटेल्स यहाँ पर बन सकती हैं। तो अमृतसर को मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर कहाँ पर है, नॉर्थर्न इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब के नॉर्थर्न इंडियन स्टेट में लोकेटेड है। अल्सो से गोल्डन टेम्पल जिसको मैंने बताया, उसका नाम है श्री हरमंदिर साहब। श्री कहते हैं, श्री हरमंदिर साहब इज अ फेमस सिख गुरुद्वारा। मैंने आपको बताया कि गुरुद्वारा है सिखों का, प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेड फॉर गोल्ड विच गिज सिटीज ने निकने क्या है। आप देखें कितने सवाल बन गए यहाँ से इस स्लाइड से। एक ये वाला तो बन गया पहले से ही, ये लोकेशन बन गई, दूसरा सवाल, तीसरा बन गया कि हरी मंदिर जो गोल्डन टेम्पल उसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो श्री हर मंदिर साहब है चौथा, और जो सिखों की यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप को कहा जाता है, गुरुद्वारा कहा जाता है। और उसके अलावा जो पांचवा छठवां क्वेश्चन बन गया ये कि ये गोल्ड से बना हुआ है जिसके हिसाब से इसको निकनेम दिया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई साहब, वो ये कि टॉलीवुड इज़ अ नेम ऑफ व्हाट। टॉलीवुड आपने सुना होगा, बॉलीवुड आपने सुना होगा, लॉलीवुड आपने सुना होगा, हॉलीवुड, ये सारे नाम से किस चीज़ के नाम है। अब टॉलीवुड किस चीज़ का नाम यूज़ हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम है, फिल्म का नाम है, रियलिटी शो का नाम है, ऑल ऑफ देम का नाम है। तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, आपने सुना होगा जो तमिल की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये इसका नाम है, तमिल की फिल्म इंडस्ट्री का नाम है। ठीक है, तमिल की फिल्म इंडस्ट्री का नाम क्या है, ये वाला है, टॉलीवुड है। तमिल नहीं, तेलुगु, तेलुगु, ओ सॉरी 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 सॉरी, यूज तेलुगु लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। यह कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश, और या फिर कहेंगे न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ तेलंगाना। लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की, अलॉन्ग साइड बॉलीवुड हिंदी लैंग्वेज और कॉलीवुड तमिल। तमिल आप सुने, तेलुगु क्या है, तेलुगु लैंग्वेज अलग है, तमिल अलग है, कन्नड़ी अलग लैंग्वेज है, ये सारे अलग अलग है। तो तेलुगु की जगह टॉलीवुड, तमिल की जगह कॉलीवुड, इंडिया की हिंदी कहेंगे बॉलीवुड कहेंगे। तो नेम ऑफ क्या है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं और आप अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वीडियो में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि द लैंड ऑफ द मिल्क एंड हनी क्या है, द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी क्या है, दूध और शहद की ज़मीन किस मुल्क को कहा जाता है, या फिर पर्ल ऑफ द मिडिल ईस्ट, मोती, मिडिल ईस्ट का मोती। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहरेन, नेपाल, लेबनान या ऑल ऑफ देम। आपने क्या कर देना है, बेझिझक लेबनान कर देना है। यहाँ के एक फेमस लेबनीज मॉडल भी हैं, आपने पता, आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है, आपने करेक्ट कर देना है, यहाँ का करेक्ट आंसर है लेबनान। इट्स द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी और पर्ल ऑफ मिडिल ईस्ट, इसको ही कहा जाता है। फर्दर डिटेल्स जाते हैं क्विज की, जो है कौन सी, लेबनान इज स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, उन्होंने कहा लेबनीज को यूनिक ब्रांड ऑफ मेडिटेरेनियन मिडिल ईस्ट फ्लेवर से, यहाँ पर कहा जाता है लैंड ऑफ मिल्क और हनी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, और यह कहता है कि जो निकनेम यहाँ से आता है, वो निकनेम इस हिसाब से आता है, कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट लेबनान इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स एंड हनी। सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करने की हिस्ट्री लेबनान के पास है। तो इनफैक्ट लेबनान वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी इन द वर्ल्ड,
सबसे ज़्यादा शेयर ये प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो आपने कितने सवाल यहाँ सीखे, देखो आपने एक कहाँ लोकेटेड है, मिडिल ईस्ट वाला लेबनान क्विज के बारे आपने समझा, एक तो सवाल है, चौथा समझा कि लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करने की है। पांचवा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी कौन सा मुल्क है, तो आप कहेंगे बिक्री लेबनान। आपने अगर लेक्चर सुना होगा तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कहता है विच कंट्रीज आर द आइलैंड कॉन्टिनेंट्स। ये जो पिछला सवाल था जहाँ पर मैंने बताया पूछा कि अर्थ के कितने कॉन्टिनेंट्स है, तो सात कॉन्टिनेंट बताए, और मैंने आपको बताया कि आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, आइलैंड कॉन्टिनेंट नेम गिवन ऑस्ट्रेलिया, जैसा मैंने आपको बताया। इट लाइज बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, कहाँ पर, पैसिफिक और इंडियन ओशन के दरमियान लाइज करता है। और उसके अलावा ये अलग नाम से, ये दूसरे नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को दिए गए, कौन सा, एक द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, द लास्ट ऑफ लैंड्स इसको नाम दिया जाता है, द लास्ट फ्रंटियर, ये सारे नेम्स गिवन टू ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ द लास्ट बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अंटार्कटिक इट वॉज द लास्ट वन व्हिच वाज एक्सप्लोर्ड बाय नेविगेटर्स व्हिच केम फ्रॉम यूरोप, ठीक है। तो ये सारे क्विज डिटेल्स हैं, सारे पॉसिबल क्विज हैं, तो आपने ये भी याद कर देने हैं।